सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। इस वक्त की साथियों सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 31 मार्च 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले, जिसमें जरूरतमंद परिवार को 1500 रुपये मिलेगी अनुग्रह राशि, साथ ही कर्मचारियों के मार्च माह का वेतन का 50% होगा स्थगित। जी हाँ साथियों, इस आपदा की घड़ी में यानी इस महामारी की घड़ी में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसके अंतर्गत मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कर्मचारियों का 50% वेतन है वो स्थगित कर दिया गया है, साथ ही अनुग्रह राशि है वो 1500 रुपये कर दी गई है। ये 1500 रुपये किन किन परिवारों को मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। ये देखिए साथियों, मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय हैं, जिसमें जरूरतमंद को 1500 रुपये अनुग्रह राशि, जिसका पूरा विवरण यहाँ दिया गया है, उसको मिलेगी और मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी कर्मचारी को मार्च माह का वेतन का हिस्सा है वो स्थगित कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों बात करें मंत्रिपरिषद ने निर्णय में कि संकट की घड़ी में 36,51,000 BPL स्टेट BPL एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों और 25,00,000 निर्माण श्रमिकों एवं पंजीकृत स्ट्रीट वेल्डर्स जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पूर्व में 1000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई थी। इन वर्गों को और संबल देने के लिए 1500 रुपये की राशि और दी जाएगी। इस पर 500 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 78,00,000 लाभार्थियों को मार्च माह की पेंशन का वितरण 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। एक सप्ताह में सभी लाभार्थियों को पेंशन का वितरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इस पर राज्य सरकार करीब 700 करोड़ रुपए वहन करेगी। फरवरी माह तक की पेंशन के रूप में 700 करोड़ का भुगतान भी राज्य सरकार ने इस सप्ताह से ही किया है। साथ ही दोस्तों बैठक में बताया गया है कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां, व्यावसायिक इकाइयां बंद है, साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में कामकाज प्रभावित हुआ है। इसे मार्च माह में अनुमानित 17,000 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन में बड़ी कमी आई है। न केवल राजस्थान बल्कि लगभग सभी राज्यों में राजस्व अर्जन में गिरावट आई है। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, समस्त विधायक गण के मार्च माह के सकल वेतन यानी ग्रॉस सैलरी का 75% हिस्सा स्थगित यानी डेफर रखा जाएगा। साथ ही दोस्तों आगे बात करें कि इसी तरह अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनका मार्च माह का 60% वेतन, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों के कर्मचारियों का 50% वेतन और चतुर्थ श्रेणी कर्मिकों को छोड़कर अन्य कार्मिकों का मार्च माह का सकल वेतन यानी ग्रॉस सैलरी 30% वेतन स्थगित रखा जाएगा। साथ ही सेवानिवृत्त पेंशन की मार्च माह की सकल पेंशन का 30% हिस्सा स्थगित रखा जाएगा, परंतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सभी वर्गों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत कर्मिकों को वेतन स्थगन से मुक्त रखा गया है। दोस्तों ये थी सबसे बड़ी खबर। अब दिखाते हैं आपको अशोक जी गहलोत का एक ट्विटर अकाउंट, जहां उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया है। ये देखिए दोस्तों, ये है अशोक जी गहलोत का ट्विटर अकाउंट, जहां उन्होंने लिखा है कि मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि संकट की इस घड़ी में 36,51,000 BPL स्टेट BPL अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, 25,00,000 श्रमिकों और पंजीकृत स्ट्रीट वेल्डर जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पूर्व में 1000 रुपये की राशि अनुग्रह कर दी गई थी, अब 1500 रुपये राशि और दी जाएगी। साथ ही दोस्तों यहां अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मार्च माह का 60% वेतन, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों को 50% वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को छोड़कर अन्य कार्मिकों का मार्च माह के वेतन का सकल यानी ग्रॉस वेतन का 30% स्थगित किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको इससे स्थगन से मुक्त रखा गया है। तो दोस्तों ये थी मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की एक कॉपी जो मैंने आपको दिखाई, साथ ही अहम फैसले जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।